पिछले 19 सालों से निशुल्क रूप से योग को लेकर काम कर रही सागर की डॉक्टर श्वेता नेमा के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के द्वारा आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्सीलेंस अवार्ड फोरम के द्वारा यह सम्मान उन्हें दिया गया है। डॉक्टर श्वेता नेमा पिछले 19 सालों से योग को लेकर काम कर रही हैं, जिसमें वह लोगों को मेंटली और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने को लेकर जागरूक कर रही हैं और योग के विधि से उन्हें बताती हैं कि किस तरह से उन्हें स्वस्थ रहना है, ठीक रहना है। डॉक्टर श्वेता नेमा को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित 7 रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। इसके अलावा कई जगहों से उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनिए क्या कह रही हैं इसको लेकर श्वेता नेमा। के क्षेत्र से जुड़े हुए 18 से 19 साल पूरे हो गया है और शुरू से मैंने देखा है कि आज के समय में जो खान पान बहुत प्राकृतिक रूप से हमको मिल नहीं पाता, दवाइयों से मिला हुआ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आधुनिकता की ओर बढ़ने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो उसके कारण व्यक्ति का जो जीवन शैली बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो मैंने देखा कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे हम स्वस्थ भी रहें और ज़्यादा उसमें हमारे जेब पर खर्च भी नहीं आए, क्योंकि सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती है। तो योग और जो नियमित जीवन शैली, आहार शैली, वो मुझे लगा कि एक ऐसा अमृत के समान हमारे जीवन में काम करता है। जैसे योग एक ऐसी विधा है जो हम बोलें कि योग करने से स्वस्थ रहते हैं या फिर हम वैचारिक रूप से बोलें, जब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जब तक हम उसको अपने आप में उतारते नहीं हैं। योग को आज लोग केवल आसन और प्राणायाम तक समझते हैं, जबकि योग एक ऐसी विधा है कि हर एक व्यक्ति को अपने खुद के कर्मों से जोड़ती है। जो भी व्यक्ति जिस प्रोफेशन का है उसमें दक्षता लेकर आती है और स्वस्थ जीवन शैली की तरफ लेकर आती है। मेरा मेन जो है, एक आप चिंता समझें या मेरा उद्देश्य समझें, आज के युवा जो अपना मानसिक स्तर जो उनका कम होते जा रहा है, विल पावर नहीं रहता है, अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, मोटिवेशन के लिए उनको बाहरी उपकरणों की, बाहरी व्याख्यानों की ज़रूरत होती है, जबकि हर एक व्यक्ति सेल्फ मोटिवेट होता है तो वो अपने जीवन में हर एक कठिन से कठिन पड़ावों को दूर कर लेता है। जैसे भगवद गीता में भी एक श्लोक आता है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगतयक्तेन धनंजया सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। उसमें भी श्री कृष्ण बोलते हैं, पुरुष अर्थात इंसान वही है जो समभाव में रहता है, दुख में भी ज़्यादा दुखी ना हो कि अवसाद हो गया, तनाव हो गया, और खुश में भी बहुत ज़्यादा चंचलता या बहुत जो हम खुशी के कारण बहुत सारे झूठे झूठे हम कहीं कमिटमेंट कर देते हैं, वो भी चीज़ ना हो। एक समभाव में रहना जिसमें अप डाउन सभी की लाइफ में आते, उनके साथ हम कैसे सर्वाइव कर सकते। आज कितनी भयावह स्थिति हो गई है कि बच्चे अपना फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाते, सुसाइड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते, चाहे आप कोटा को ले लो, दिल्ली को ले लीजिए, जहाँ बच्चे छोटी छोटी जगहों से बड़े बड़े सपने लेकर जाते हैं, मार्क्स कम हो गए या सिलेक्शन नहीं हुआ तो सीधे सुसाइड करते हैं, वो वहाँ सोचते हैं कि यहाँ जीवन समाप्त, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ फेलियर आता है वहाँ से दूसरी सक्सेस का रास्ता खुलता है, ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो फेलियर हमेशा सक्सेस के रास्ते को बढ़ाता है। और मेरा सभी से एक विनम्र आग्रह, प्रार्थना, जो भी आप समझे, कि अगर हमें व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और इमोशनली, भावनात्मक रूप से अगर स्वस्थ रहना है,
तो योग, नियमित दिनचर्या, आहार शैली को अपने जीवन में अगर हम उतारेंगे तो हर कठिन से कठिन पड़ाव को हम बहुत आसानी से झेल सकते हैं।